हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का रविवार व्लॉग्स में स्वागत है। देखिए जी, सुबह का टाइम है और 5:30 बज चुके हैं। अभी हम सो के उठ चुके हैं तो अर्णिका जो है अभी सो रही है और अर्णिका के पापा भी सो रहे हैं। ये देखिए जी, और उधर अर्णिका सो रही है। और जी 2-3 दिन से सो रहा हमारे यहाँ पे, लाइट नहीं आ रही ना, ट्रांसफार्मर का हुआ है तो हम छत पे सो रहे हैं बाहर यहाँ पे। और ओस में लेटने की वजह से मुझे हो गया है जुकाम, खांसी नज़ला और गला भी बैठा बैठा सा हो रहा। और जी अभी जो है मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। अच्छा देखिए, तो हम चलते हैं अभी नीचे। अभी सो के उठते थे, उसके बाद हमने अर्णिका को दूध पिलाया सोते सोते को, और फिर नीचे चले गए। फिर नीचे जाके फ्रेश फ्रेश हो के फिर अपना पूजा पाठ करेंगे। तो चलिए जी, अभी बन रही है हमारी वीडियो में एंड तक। अभी जो है चलते हैं नीचे, और जो पानी की बोतल वगैरह दी रात को लेके आते हैं ना, उन्हें नीचे लेके चलते हैं क्योंकि खाली हो रही है। और जी पानी भी जो है वैसे हमारे टैंक में है, अभी नीचे बद्दी बनी हुई है उसमें भी है, टंकी बनाई हुई जो सीमेंट वाली। आज जो पानी ख़त्म हो गया ना, फिर वरना जनरेटर चलवाना पड़ेगा गाँव में चल रहे। अभी 7:30 बज चुके हैं और अभी जो है नाश्ता वगैरह हमारा जो है हो चुका है। और अभी जो है हमारे यहाँ पे चलने वाला है जनरेटर, क्योंकि लाइट नहीं आ रही ना, 3-4 दिन हो गए तो पानी ख़त्म हो गया टैंक में भी, टंकी में भी, सभी जगह। तो जनरेटर से पानी भरवाएंगे, और फिर क्योंकि दिक्कत हो रही है नहाने में भी, आज थोड़े थोड़े से पानी में ही नहाए गर्मी में। और कपड़े तो हमारे 2-3 दिन ये काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए, क्योंकि पानी होगा तो कपड़े धुलेंगे वरना नहीं सही। तो इधर जो है इसके पापा तैयारी कर रहे हैं नीचे, वहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ, ट्रैक्टर के पास में जनरेटर ला रखा, तो सभी पड़ोस वाले एक साथ मिल के भर लेंगे अपना टैंक वैंक भर ले, तो पानी 1-2 दिन चल जाता है। तो चलिए जी, अभी जो है मैंने भी वीडियो एडिटिंग के लिए लगा दी है, और जब लाइट से आएगी ना जनरेटर से तो तभी वीडियो एडिट कर दूँगी। यहाँ पे जो है अर्णिका के पापा ले रहे हैं सब्जी, और गेट आ रहा बीच में। क्या ले रहे पापा है? सब्जी ले, क्या लिया? पिट्ठा और जी टमाटर ले एक दो, कुछ तो रखी। और जी ताजी ताजी हरी मिर्च खाने को, सब्जी के साथ में, रोटी के साथ में मन करे। देखो क्या क्या कला है, सब्जी 50 रुपए किलो पेट्ठा हो रहा, पेट्ठा हो रहा 25 रुपए का आधे किलो टमाटर, और वहां तो 20 दे रहे थे। ये देखिए जी, ये है हमारे शेर सिंह का खाना, ना तो खाएंगे और ना खाने देंगे हम, ठीक है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। असल में मम्मी खा रही थी खिचड़ी, है मम्मी वे जमे, और इसने मम्मी को खाने नहीं दिया जमे। पानी और जमे मिक्स करके अपने हाथों से अपने आँख खाता है ये बच्चा। अब ये मिल गया ऐसे नया खिलौना, इसका बना दिया इसने झंझुना। ये देखो कितना मज़ा आ रहा। अभी चलेगा माटो माटो, ये अजी वाह, क्या कहने, किधर जाना है, आ जाओ आ जाओ। चलना सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी जब ही चलना आएगा। आ जा अर्णिका, इधर आओ, इधर आओ पापा के पास। पापा कहाँ है पापा? ओहो हो, ये नया आइटम आ तू, ओहो इसे चटका, मुझे पता तू है। आ जा आओ मम्मी के पास, आओ आओ आ जा बेटे। पानी में भिगी हुई है और जमो में, जमे भी खा लिए ने 2-4, एक दो अपने हाथों से खाती है। असल में बात यह है, मम्मी लाड करूंगी भाई, मन लेती लड्डू। हमने लेते जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ आप, हमारे जाओ
चल जा तू अपनी मम्मी दोरो जा, जाओ ये तो अपनी मम्मी के दोरो जा लिया जा, जा, मम्मा के पास आओ जल्दी जल्दी आओ अपनी मम्मी के पास जा नहीं मम्मी मेरी मम्मी चलो अपनी मम्मी के पास आओ अपनी मम्मा के पास आओ आप जाओ जाओ नहीं वहीं आओ कि हट जाओ जोर जवाब है जाली जाली आइए रे मेरा लड्डू सा मेरा पेड़ा सा मम्मी मैं तो यहीं बैठूं ये ले देख आ आगे रे ओलो भाई मैं तो इसका इलाज करूंगी मैं तो लड्डू का नहीं करती हट जाओ बस अब मेरा करो लाड पापा का लाड करूंगा पापा का लाड करूंगा पापा का लाड करेंगे तो है लाड ने कुछ कहा जी कुछ क्या है जिन्हें अपनी बातों में आसी मज में नहीं आई बात अपनी बातों में भाई कुछ तो कुछ बोल कहा जा हमने कपड़े धो दिए थे क्योंकि जनरेटर चलवाया था ना तो सारे कपड़े धुल चुके हैं यहाँ पे फैला दिए हैं ये बिछाने कपड़े तय करके रखे हैं अभी मैं चलती हूँ नीचे और जी फिर खाना बनाना है पहले निकल को दूध पिलाऊंगी तो देखे गाइस अभी दिन के बजे है एक हाँ। और जी अभी हम आ चुके हैं चाचा जी के इधर क्योंकि यहाँ पे ना आवासी लग रही और कल भी यहीं पे बैठे थे और आज हम आ चुके हैं घर मालिक है नहीं यहाँ पे लेकिन हम आगे मम्मी भी आने लग रही और सोच रहे कि यहीं पे बैठ जाओ हल्की हल्की सी हवा लग आती है कभी कभी चल नहीं रही कभी कभी आवे दो दिन से लाइट नहीं आ रही है तीसरा दिन है आज और जी गर्मी से पूरा हाल हो चुका इन्वेटर है बैटरी सब डाउन जनरेटर चलाया था सुबह एक घंटा हाँ। और जो घर मालिक है मैं नहीं आसी हम आगे बैठ गए और जी अभी नए नए मकान बने यहाँ पे कोई नहीं रहता बस आके बैठ जाए साफ सफाई करके चले जाते हैं तो अभी हम चलते हैं अंदर यहाँ पे देखे पीछे और यहाँ पे बैठते ही चाची जी अभी आ जाएगी थोड़ी देर में जी चाची जी आर के मकान ये ऊपर छत पे जा रहे हैं यहाँ पे वॉशरूम है और जो टॉयलेट एक जगह अटैच है इस वजह एक रूम है काफ़ी बड़ा है और जी देखते हैं पति देव क्या कर रहे हैं अंदर क्या कर रहे हैं आप और जी इधर लगवा तो रखी सारी खिड़की विड़की ये तो अच्छा रखा है एक साइड में उन्होंने अलमारी बनवा रखी गहरी गहरी सी बहुत सारा सामान रख रहे और जी नीचे तो खुला है ऊपर जो छत पे है ना छत पे मकान बना रखे अनिका मन लग रहा आपका जरा गया हाँ ये लोहे के लगवा रखे मारे वाले का तो बीच वाला कब्जा उतर भी गए अच्छा अच्छा अरनिका लड्डू ओ हाँ और आवाज़ गूंज रही क्योंकि खाली है ना अभी घर तो इस वजह से आवाज़ सी गूंज रही आ जाओ आ ढोल आ गया ढोल आ गया भाई हाँ कोई बागड़ जा रहा है जात्रु आ रहे हैं यहाँ पे जो है हम बैठे हुए थे फ्री तो हमने सोचा कि थोड़े जमीन तोड़ ले जाए यहाँ पे तोड़े मैं और मम्मी और अर्णिका जो है यहाँ पे खेल रही है अर्णिका क्या कर रही अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा जमे तुड़वा रहा चाची जी अर्गे हैं जमे कट्ठे कर दो चल जाके सारे के सारे आ जा और जी हमने ही तोड़ दिया बारी बारी से ये देखिए मौसम जो है सुहाना हो गया है और बारिश जो है मोटी मोटी आने लगी है बारिश कपड़े तो 3-4 दिन में तो आज गए थे और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है हम आए हैं अभी शामली से ये देखिए जी मोटी मोटी बूंद है सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं तो चलिए इनको लगा लेते हैं भाई तो देखिए गाइस कितनी ज़्यादा मोटी मोटी बारिश आ गई मोटी मोटी वाली ये देखो नीचे यहाँ पे आँख पर लगी मेरी बहुत क्या लेने गए थे आप शामली
और जिनके दोस्त ना ड्यूटी पे गए तो उन्हें छोड़ने के लिए गए थे शामली, वहाँ से लाए हम गोलगप्पे लाए के आए। और जी तो चलिए नीचे चलते हैं जी। हरनी का को आया हरनी का दुष्यंत के साथ जा रही, चलो तो देखना फटाफट। तो काफ़ी मोटी मोटी बूंद है वैसे तो, मगर देखते हैं भाई कितने टाइम तक ये बरसेगी। ये देखिए काफ़ी मोटी मोटी बूंद है, मैं तो ये चाह रहा कि ये खूब बरसे, क्योंकि दो दिन से लाइट नहीं आई, हम वैसे ही परेशान हैं। और ट्रांसफार्मर भी आ गया है, ये देखिए लाजवाब मौजवान नहीं भाई, बहुत ही बेहतरीन वाली लाजवाब। कांदले में वैसे हो रही थी बारिश, वहाँ से फ़ोन आया था और कांदले होती होती यहाँ तक आ गई है।